हेलो कैंसर, वेलकम टू ग्रो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है आपके सितंबर के थर्ड वीक की, यानी 16 से 23 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर कैंसर। Princess of Pentacles, Ten of Cups, The Magician, The Fool, King of Pentacles, Two of Swords, Devil, Three of Swords, Cancer, Princess of Pentacles के साथ मुझे लगता है कि इस वक्त जितने भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको ग्रीड की नजर से देख रहे हैं। लालच है उनको उन चीजों का जो आपके पास है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जो उनके पास नहीं है और आपके पास है, उन्हें वो चीज चाहिए। मुझे नहीं लगता है ये पर्सन पूरी तरह से इस वक्त आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, या इसका जो प्यार है वो निस्वार्थ है, सेल्फिश नहीं है पर्सन, ऐसा नहीं लगता मुझे। ये जो भी पर्सन है शायद किसी बेनिफिट के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मनी यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मनी ही हो, और भी किसी तरीके की चीज हो सकती है जो आपके पास है। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा हो आपके पास जिससे उन्हें प्रॉफिट हो सकता है, फायदा हो सकता है, वो आगे जाना चाहे या आपको किसी लेडर की तरह यूज करना चाहे। या टेन ऑफ कप्स के साथ फैमिली का माहौल अच्छा दिख रहा है, आपके फैमिली की प्रॉब्लम्स दूर होती हुई दिख रही हैं जितनी भी थी। ये वीक जो है आपके फैमिली रिलेशन में सुधार आएगा, घर का माहौल आपके अच्छा रहेगा, आप एंजॉय करेंगे हर तरफ से, आप एक अच्छी सिचुएशन में हैं, परफेक्ट सिचुएशन में हैं।
द मजिशियन के साथ मुझे लगता है कैंसर की आप इस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे कि ये असल में चाहता क्या है। ये पर्सन बहुत स्वीट बन रहा है, बहुत स्वीट बात करता है, कुछ भी डायरेक्टली बोलता नहीं है, एंड आप नहीं समझ पा रहे कि इसका जो गोल है, इसका जो इंटेंशन है, वो है बेनिफिट उठाना आपसे। क्योंकि अगला कार्ड है द फूल का, द फूल के कार्ड के साथ कैंसर आप मुझे लगता है बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। आप हैप्पी हैं, आपके परिवार वाले खुश हैं, आप खुश हैं, आप अपने रिलेशनशिप से खुश हैं, लेकिन शायद आप गहराई से किसी भी चीज को देख नहीं रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी मस्ती में बिना कुछ देखे, केयरलेस होके। आपको संभलने की जरूरत है कैंसर। अगर आप 2021 की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो ईयरली, तो उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दिया है, और प्रीवियस वीक की रीडिंग का भी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स कैंसर सबसे मैच नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ जिससे आप डील कर रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत प्रोफेशनल पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, ये दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेता है। ओके, तो इसका जो प्यार है वो इस पे ज्यादा बेस्ड होता है कि किसके साथ लाइफ आराम से जी जा सकती है, किसके साथ लाइफ में बैलेंस बना रहेगा, कौन इनके स्टैंडर्ड को मैच करता है, ये सारी चीजें पहले आती हैं। सो ये बहुत ज्यादा इमोशन से कंट्रोल्ड इंसान नहीं है, एंड पॉसिबली इन्होंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप इनके हर क्राइटेरिया को मैच करते हैं, इनके कुछ फिक्स क्राइटेरिया हैं, उस पे आप बैठते हैं फिट, इसलिए इन्होंने आपको चूज किया है। ये एक स्पॉन्टेनियस फीलिंग नहीं है एकदम से कि आप किसी को अभी पूरी तरह से जानते नहीं, या आपको पता नहीं है कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ चलेगा या नहीं चलेगा, बट आपको ये पर्सन पसंद है तो आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, ये चीज नहीं है। ये पर्सन हर चीज को देख के बैलेंस करके आगे बढ़ रहा है। फिर यहां पे टू ऑफ सॉर्ड्स है, टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके बीच में दोस्ती अच्छी हो रही है, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हर चीज आगे बढ़ रही है, इट्स ओके, सब ठीक है। लेकिन द डेविल के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं अभी भी कैंसर, ये पर्सन दिल से आपसे अटैच्ड नहीं है। ये पर्सन जानता है कि प्रैक्टिकली आप इनके लिए लाइफ में बहुत सही कंपेनियन बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, और इसीलिए ये आपके साथ आना चाहता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है कि किसी तरीके का ग्रज भी है इस पर्सन के अंदर, या मैं कहूं किसी तरीके की कंपटीशन की भावना भी हो सकती है, ये आपको अपना कंपटीशन भी समझ सकते हैं। बट थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन के अंदर कुछ इश्यूज भी हैं, मेरे ख्याल से अपने पास्ट रिलेशनशिप से भी उबर नहीं पाया है ये पर्सन पूरी तरह से, अभी इनको टाइम लगेगा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये अभी भी अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के पेन में हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है कैंसर मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। काउंसलिंग, यू हील विद काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एन एम्पैथेटिक ईयर। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, या जो ये पर्सन है वो आपको अपना 100% अटेंशन नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जो सॉफ्ट स्पोकन हो, जो चीजों को समझता हो, अच्छी एडवाइस देता हो और बातों को पेशेंटली सुनता हो।
क्योंकि एक मैच्योर पर्सन ही आपकी बात को आराम से सुनेगा और उसके बाद ही आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकता है, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको सही नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए आगे। सो ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।